राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए आज मैंने कितने सुंदर से और बहुत ही इजी सिंपल, बिल्कुल मैंने इनमें डिज़ाइन डाला, कलर ही डाले हैं उनके, बहुत इजी है इनको बनाना। ये 5 और 6 नंबर के लिए मैंने बनाया, एकदम परफेक्ट साइज़ आएगा, 5 और 6 दोनों को आ जाएगा। देखिए इसकी फिटिंग एडी की भी बहुत अच्छी है, इसे मैंने अलग तरीके से बनाया है। 7 नंबर को भी आ जाएगा, बस यहाँ से थोड़ा सा इसे एक्स्ट्रा कर लेना। यहाँ मैंने 4 लाइनें निकाली थी, फिर आप 6 निकाल के तब ये उंगली और अंगूठे बना लेना 7 नंबर के लिए। और 5 और 6 नंबर के लिए फिक्स साइज़ है एकदम। ये देखिए बहुत ही सुंदर है, फिटिंग बहुत अच्छी आई है इसकी एड़ी की। ये मैंने अलग तरीके से बनाई है, देखिए इसमें सिलाई यहाँ है साइड में सिलाई करी है मैंने इसकी। नीचे कोई सिलाई नहीं है और ऊपर भी नहीं है, और बहुत ही अच्छी है। देखिए फिनिशिंग से एकदम से बहुत अच्छी फिटिंग आई है इनकी, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं बनने के बाद। देखिए इसमें मैंने वर्धमान की 3 कलर की ऊन यूज़ करी है, 3 वर्धमान की ऊन है मेरी, और इसमें मैंने 10 नंबर की सलाइयाँ यूज़ करी हैं। तो चलिए फंदे डालते हैं इसमें। देखिए मैंने एक साइड से धागा डबल कर लिया है, इसमें मैंने डिज़ाइनर फंदे डाले हैं। तो देखिए पहला फंदा ऐसे ले लेंगे इसके अंदर से, इस तरह से इसमें यहाँ से ही अटक जाता है इसलिए। तो ये एक फंदा हमारा डल गया है, अब दूसरा वाला फंदा हम इस तरह से डालेंगे। ये देखिए यहाँ से करके ऐसे इसके अंदर से लेंगे, ऐसे सिलाई को घुमाएंगे, इस तरह से डालेंगे फंदा। इसमें मैंने डिज़ाइनर फंदे डाले हुए हैं, एक बार अंगूठे को यहाँ से घुमाएंगे, देखिए ऐसे अंदर की साइड से, इस तरह से जैसे हम सिंपल फंदे डालते हैं, एक बार ऐसे घुमाना है। एक बार ऐसे घुमाना है सिंपल तरीके से, फिर एक बार इधर की साइड से इस तरह से करेंगे। इसमें देखिए बल नहीं लग रहा कोई भी ऊन में, इस तरह से इसमें डालेंगे और ऐसे धागे को घुमा लेंगे इसके ऊपर से, और इसमें से सिंपल तरीके से निकाल लेंगे। इस तरह से हमारे फंदे डल जाएंगे, डिज़ाइनर फंदे। ये देखिए एक में ही हमारे ये इस तरह से 2 फंदे डलेंगे। इस एक बार सिंपल तरीके से घुमाना है, इस तरह से जैसे हम फंदे डालते हैं, और ज़्यादा टाइट नहीं खींचना धागे को, और एक बार इधर की साइड से इस तरह से, ऐसे धागे में कोई बल नहीं लगाना है, इस तरह से अंदर से लेके इस तरह से निकाल देंगे धागे को। ये देखिए इस तरह से डिज़ाइनर फंदे डल जाएंगे हमारे, एक बार बाहर से। एक बार अंदर से, एक बार बाहर से। एक बार अंदर से, एक बार बाहर से। ये देखिए इस तरह से हमारे डिज़ाइनर फंदे डलते चले जाएंगे। एक बार और बता देती हूँ, देखिए एक बार अंदर से इसमें बल लग जाता है यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से, ऐसे तो सिंपल तरीके से हम फंदे डालते ही हैं, और एक बार ऐसे बाहर की साइड से, इसमें कोई बल नहीं लग रहा धागे में, अंदर की साइड से इस तरह से। ये देखिए ये डिज़ाइनर फंदे डलते चले जाएंगे इस तरह से हमारे। दिखाती हूँ मैंने इसमें, देखिए डिज़ाइनर फंदे डाले हुए हैं, ये देखिए इस तरह से बन जाएंगे डिज़ाइनर फंदे इधर की साइड से। तो डिज़ाइनर फंदे मैंने इसमें 52 फंदे डाले हैं, 52 फंदे डालने हैं हमें इसमें। और देखिए इसके बाद मैंने उल्टी उल्टी सिलाई निकाली है, दोनों साइड से उल्टी उल्टी ही निकाली है। कितनी लाइन बनानी है, 1 2 3 4 4 लाइनें बनानी है, 4 लाइनें 8 सिलाइयों से बनती हैं। तो इस तरह से ये बॉर्डर मैंने बना लिया है। अब आगे बनाते हैं, इसमें बहुत सिंपल ही बनाया है मैंने, कुछ नहीं किया। ये देखिए पिंक कलर से ही बनानी है, सिंपल लाइन निकालनी है इसमें। ये बॉर्डर बनाने के बाद प्लेन लाइन निकालनी है हमें, 6 सिलाइयाँ। ये सीधी साइड से सीधी बनानी है, पहले हम पिंक कलर ही इसमें लगाएंगे, इस तरह से सीधी साइड से बिल्कुल सीधी बनानी है। प्लेन ही मैंने इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डाला, कलर डाले हैं बस ऊन के। ये देखिए इस तरह से सीधी सिलाई निकालनी है, तो ये मैं निकाल लेती हूँ अभी। ये देखिए सीधी सिलाई मैंने निकाल ली इसमें। अब आ गया हम उल्टी साइड, उल्टी सिलाई भी हमें प्लेन ही निकालनी है, उल्टी जैसे निकालते हैं उल्टी तरफ से, उल्टी उल्टी ही निकालनी है इस तरह से, कोई डिज़ाइन नहीं डालना, प्लेन ही है बिल्कुल।
इस तरह से उल्टी उल्टी ये निकालनी है बिल्कुल। ये देखिए इस तरह से निकालनी पूरी, ये मैं निकाल लेती हूँ उल्टी उल्टी। ये देखिए उल्टी सिलाई भी मैंने इसमें निकाल लिया, तो हमारी हो गई दो सिलाई, एक सीधी साइड से एक उल्टी साइड से। इस तरह से हमें इसमें छः सिलाइयाँ निकालनी है, तीन सीधी साइड से और तीन उल्टी साइड से, दोनों साइड की सिलाइयाँ मिला के हमें छः सिलाइयाँ निकालनी है। तो इसमें मैं निकाल लेती हूँ छः सिलाइयाँ। ये देखिए इसमें मैंने टोटल छः सिलाइयाँ निकाल ली हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः सिलाइयाँ हो गई हमारी दोनों साइड से। अब इसमें हमें वाइट कलर लगाना है, तो यहाँ पे मैंने नोट बांध लिया है, बस हमें कलर ही चेंज करने हैं, बाकी मैंने दोनों साइड से सिंपल ही बनाया है, सीधी साइड से सीधा सीधा और उल्टी साइड से उल्टा उल्टा। इस तरह से वाइट कलर, पिंक कलर की छः लाइनें निकाली है और वाइट कलर की हमें चार लाइनें निकालनी है, तो सीधी साइड से सीधी सीधी और उल्टी साइड से उल्टी उल्टी, सेम ही है बिल्कुल इसके जैसे। ये देखिए इसमें दिखा देती हूँ मैं आपको, छः लाइनें पिंक कलर की निकालनी है, चार लाइनें वाइट कलर से और दो लाइनें डार्क पिंक से, तीन कलर मैंने इसमें लगाए हैं। फिर हमें इसमें देखिए इस तरह से छः लाइनें पिंक कलर लाइट पिंक, चार लाइनें वाइट कलर की और ये दो लाइनें डार्क पिंक कलर की। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे चार सिलाइयाँ निकालने के बाद मैंने यहाँ पे एड़ी बनाई है, तो इतने यहाँ तक, यहाँ तक मैं अभी बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊँ कैसे बनाना है। बिल्कुल प्लेन ही है, सिंपल सिंपल है, बस आप ये लाइनें ध्यान रखना है, पिंक हमने छः बनाई है, वाइट चार लाइनें बनानी है, दो सीधी तरफ से दो उल्टी तरफ से, और ये वाली डार्क पिंक हमें दो ही लाइनें बनानी है, एक लाइन सीधी साइड से और एक लाइन उल्टी साइड से, बस यही बनानी है। और ये फिर यहाँ पे चार लाइनें पिंक कलर की बनानी है, तब हम इसमें एड़ी बनाएंगे। ये देखिए इसमें मैंने बना ली है छः लाइन पिंक कलर की, चार लाइन वाइट कलर की और दो लाइन डार्क पिंक की, और ये हमें चार लाइनें निकालनी है। पहले वैसे हम इसमें छः निकालते हैं डिज़ाइन में, पर ये अभी हमें चार निकालनी है क्योंकि अभी हमें इसमें एड़ी बनानी है। तो इसमें हमें एड़ी बनाने के लिए फंदे आधे आधे करने हैं, ये हमारे 52 फंदे हैं, 52 फंदे, 52 फंदों का आधा आधा हो जाएगा 26 फंदे, 26 फंदे हमें आधे करके एक साइड लेने हैं। तो अभी तो ये सिलाई हमें पूरी ही बुननी पड़ेगी क्योंकि यहाँ इधर की साइड मुझे एड़ी बनानी है, और जब उल्टी साइड से आएंगे तब इसमें 26 फंदे रखने हैं। ये देखिए इस तरह से ये लाइन तो सीधी सीधी निकालनी है प्लेन ही, तो ये मैं अभी निकाल लेती हूँ। ये देखिए सीधी सिलाई मैंने निकाल ली, अब आ गए हम उल्टी साइड। तो ध्यान रखना है इसमें हमें एड़ी इधर की साइड बनानी है, तो हमें इधर की साइड 26 फंदे रखने हैं अब इसमें। तो ये 26 फंदे गिन के एक हो गया, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस। ये हो गए हमारे 26 फंदे इधर, तो अब यहीं से घुमा लेंगे अपने वर्क को, यहीं से टर्न कर लेंगे इस तरह से। अब हमें आगे की साइड नहीं जाना, इधर की साइड नहीं जाना, पहले हम इधर की साइड यहाँ से एड़ी बनाएंगे, इधर वाले फंदों में एड़ी बनाएंगे। तो देखिए एड़ी कैसे बनानी है, इस वाले सॉक्स में मैं इधर की साइड एड़ी बना रही हूँ और इस वाले सॉक्स में मैंने इधर की साइड एड़ी बनाई है, तो दोनों में हमारे अलग अलग बनेगी, वैसे सेम ही बनेगी बिल्कुल। देखिए यहाँ से हमारी सिलाई आ रही साइड में, तो मैंने ये यहाँ से बिल्कुल यहाँ कोने पर ये एड़ी बनाई है इधर ये फंदों के, देखिए यहाँ से यहाँ इसके पास एड़ी बनाएगी बिल्कुल, और इसमें हम इधर की साइड एड़ी बनाएंगे। बस एड़ी का ध्यान रखना है हमें साइड कौन सी बनानी है, अगर एक साइड दोनों बना दोगे तो एक ही पैर के सॉक्स बन जाएंगे दोनों, तो इसलिए इसमें मैं इधर की साइड बना रही हूँ पीछे की साइड, और उसमें मैंने आगे की साइड 26 फंदों में एड़ी बनाई है दूसरे वाले सॉक्स में। तो इसमें बनाएंगे हम एड़ी, सेम ही बनाना है बिल्कुल, जैसे मैं इसमें बनाऊँगी ऐसे ही हमें इसमें बनानी है। तो देखिए 26 फंदे इधर की साइड से हम घूम जाएंगे, एक फंदा उतार लेंगे, अब ये 26 फंदे हमें सीधी साइड से सीधे और उल्टी साइड से उल्टे बुनने हैं ऊपर तक। इस तरह से सीधी लाइन निकालनी है ये वाली,
ये सीधी लाइन निकल गई, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी उल्टी निकालनी है। 26 फंदे ही बुनने हैं अभी हमें, उधर की साइड अभी हम नहीं जाएंगे। इस तरह से उल्टी साइड से उल्टी उल्टी ही बुनेंगे। ये 26 फंदे बुनने हैं हमें यहाँ तक। ये देखिए गैप हो गया, अपने आप ही पता चल रही है, यहाँ तक 26 फंदे हो जाएंगे। तो हमें इसमें आगे 18 सलाइयाँ बनानी है, तो ये मैं बना लेती हूँ। दोनों साइड से मिला के 18 सलाइयाँ बनानी है, उल्टी सीधी ये मैं अभी बना लेती हूँ। सिंपल ये बिल्कुल। ये देखिए मैंने इसमें टोटल 18 सलाई निकाली, ऊपर यहाँ से टोटल काउंट करेंगे तो ये 22 सलाई हो जाएंगी, क्योंकि 4 सलाई हमने इसमें पहले भी निकाल रखी थी, तो ये 22 सलाई हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ से काउंट करेंगे तो 22 हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। टोटली 22 सलाई हैं, टोटली काउंट कर लेना, यहाँ से ही तो दिक्कत नहीं होगी। टोटली 22 सलाई हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, इसमें से जो ये हमारे फंदे 26 फंदे हैं, इन फंदों को हमें तीन भागों में डिवाइड करना है। 26 फंदों को तीन भागों में डिवाइड करना है, तो तीन भागों में डिवाइड होंगे, 9 फंदे इधर रखने हैं, 9 इधर रखने हैं, बीच में हमें 8 फंदे रखने हैं। बहुत ही ईजी है इसको बनाना। देखिए 9 फंदे हमें इधर रखने हैं, 9 इधर रखने हैं, बीच में हमें 8 फंदे रखने हैं। 26 फंदे हमारे डिवाइड हो जाएंगे तीन भागों में। देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 फंदे हमारे इस साइड के हो गए, 9 इधर रखने, बीच वाले जो 8 फंदे हैं वो भी अभी हमें इसी सिलाई में बुनने हैं। 8 फंदे और बुन लेंगे इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये दो भाग हो गए हमारे इधर की साइड। अब इधर 2, 4, 6, 8 और 1, 9, 9 फंदे इधर बच रहे हैं हमारे। अब देखिए इनको कैसे घटाएंगे। पहले यहाँ से एक फंदा घटा लेंगे, जो ये हमारा 9वां फंदा है, ये सॉरी 8वां फंदा है, जो ये हमें घटाना है। तो बिना बुने रखना है ये एक फंदा हमें। 7 फंदे हमने इसमें बुनने हैं और 8वां फंदा ये बिना बुने रखना है। एक ही एक फंदा इसमें से लेना है, ये 8वां फंदा है हमारा, और एक फंदा इसमें से लेना है। तो दो फंदों का हमें एक फंदा करना है पीछे की साइड से, एक फंदा बीच वाले में से लेना है, एक इसमें से लेना है। तो दो फंदों का हम एक फंदा कर देंगे इस तरह से, और जो ये बुना हुआ फंदा है ये हमें बीच में ही रखना है। इधर की साइड से फंदे हमें घटाने हैं, तो यहीं से घूम जाएंगे इधर की साइड, एक फंदा उतार लेंगे। अब बीच में हमें 8 ही फंदे रखने हैं, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी मैं ये फंदा भी बुन लेती हूँ 8वां, कि आपको दिक्कत ना हो बस समझने में। इधर की साइड के हमारे 9 फंदे हैं, 2, 4, 6, 8 और 1, 9, 9 फंदे इधर है हमारे, 9 इधर है, एक इधर से घट गया। अब हमें यहाँ से भी घटाना है, तो ये फंदा हमें बिना बुने ही रखना है। जो 8वां फंदा हमारा है इसको बिना बुने ही रखेंगे, इधर की साइड ले लेंगे। ये मैंने बुन लिया था कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो एक फंदा हमने इसमें से यहाँ ले लिया बिना बुने हुए, और यहाँ से एक फंदा ये 8 में से एक रखना है, और एक फंदा 9 में इसमें से लेना है, 9 वाले में से। तो एक दो फंदों का हमें एक फंदा करना है इस तरह से, दो फंदों का एक फंदा कर देंगे, और जो बुना हुआ फंदा है इसे बीच में रखना है। अब यहीं से फिर से घूम जाएंगे, इसी तरह से दोनों साइड से हमें एक एक फंदा करके घटाने हैं, दोनों साइड के सारे फंदे घटाने हैं इसी तरह से। एक फंदा उतार लेंगे, बीच में हमारे 8 फंदे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 फंदे हमें बुनने हैं, ये 8वां फंदा है, और एक इसमें से लेना है। दो फंदे करके दो फंदों का हमें एक फंदा बुनना है इस तरह से। इनको निकाल देंगे, ये देखिए यहाँ से ये अच्छी सी लाइन बनती चली जाएगी। इसको घुमा लेंगे, अब फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आ गया 8वां फंदा। एक ये फंदा लेना है और एक इस साइड वाला फंदा लेना है, दो फंदों का एक फंदा बुन देंगे इस तरह से। बुना हुआ फंदा बीच में रखना है, तो ये दोनों साइड से एक एक फंदे कम होते चले जाएंगे हमारे। इस तरह से घुमा लेंगे, एक फंदा उतार लेंगे, 7 फंदे बुन लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक फंदा ये वाला और एक ये वाला, दो फंदों का एक फंदा कर देंगे इस तरह से। फिर से घुमा लेंगे,
ये देखिए एक फंदा ये वाला और एक इसमें से दो फंदों का एक फंदा बुन देंगे इस तरह से। एक फंदा उतार लेंगे, देखिए एक फंदा इसमें से और एक इसमें से। तो ये सारे फंदे हमें ऐसे ही घटाने हैं दोनों साइड के। ये दोनों साइड से मैं घटा लेती हूँ इसी तरह से घुमा घुमा के सारे घटाने हैं। ये देखिए इस तरह से लाइन से बनती चली जाएगी, एड़ी की शेप बहुत परफेक्ट आती है इस तरह से। ये देखिए इसी तरह से दोनों तरफ से घटाते जाने हैं जब तक हमारे सारे फंदे घट जाएंगे, तब तक हमें ये करना है। तो ये मैं घटा लेती हूँ, लास्ट में एक एक फंदे दिखाऊंगी जब बचेंगे। ये देखिए मैंने बुन लिया है, यहाँ पे हमारे एक ही फंदा बच रहा है लास्ट में। तो ये फंदा मैंने इसमें से छोड़ा है, सात फंदे मैंने बुन लिए, ये और ये एक कर देंगे दो फंदों को इस तरह से। अब इधर की साइड भी हमारा एक फंदा बच रहा है अभी, तो इधर की साइड जाएंगे बुनते हुए। ये देखिए एक फंदा बच रहा है, एक फंदा इसमें से और एक ये लास्ट वाला फंदा, ये हम दो का एक कर देंगे इस तरह से। अब हमारे दोनों साइड से सारे फंदे खत्म हो गए। अब हमें यहाँ से फंदे उठाने हैं और एक यहाँ से उठाने हैं। तो पहले हम इधर से उठाएंगे, क्योंकि इधर से उठाएंगे तो हमारे इधर बुनते हुए चले जाएंगे, ये फंदे हमारे रह जाएंगे फिर। तो पहले हम इधर की साइड ले जाएंगे इसको, इसको बुन के सीधा सीधा इधर की साइड ले जाएंगे इसको। इस हमें यहाँ से फंदे उठाने हैं, दो तीन चार पाँच छः सात आठ, बीच में हमारे आठ फंदे थे, आठ ही हैं। तो हमने दोनों साइड से नौ नौ फंदे घटाए हैं, इधर भी नौ घटाए हैं, इधर भी नौ घटाए हैं। तो हमें नौ नौ फंदे उठाने हैं, नौ इधर से उठाएंगे, नौ इधर से उठाएंगे। तो देखिए फंदे कैसे उठाएंगे, सिंपल तरीके से उठाने हैं इस तरह से, इसी सिलाई में उठा लेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक फंदा उठा लेंगे, नौ, नौ फंदे उठाने हैं हमें इस तरह से। ये हो गए हमारे नौ फंदे, नौ फंदे उठ गए। तो अब इधर की साइड उल्टे हो जाएंगे, उल्टी साइड से बुनाई करेंगे, उल्टी साइड से उल्टा ही बुनना। तो हमें धागे का भी ध्यान रखना है। अभी तो हमारा ये डिज़ाइन पाँच सिलाई हुई है, छः सिलाई हमें पिंक से ही निकालनी है, तो ये सिलाई हमें पिंक ही निकालनी है अभी। नहीं तो अगर हमें कलर भी चेंज करना पड़ता तो यहाँ से कलर चेंज करते हैं हम। तो अभी हमें कलर चेंज नहीं करना है। तो देखिए यहाँ से इधर की साइड ले जाएंगे, उल्टी साइड से उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे इस तरह से। ये नौ फंदे हमारे उठ गए इधर की साइड से। ये देखिए इस तरह से ये फंदे बुन गए। यहाँ पे अपने आप ही गैप दिख जाएगा आपको। अब यहाँ से भी हमें फंदे उठाने हैं। तो यहाँ से कैसे उठाएंगे, यहाँ से भी हमें नौ ही फंदे उठाने हैं और इसी धागे से उठा लेंगे। इसमें हमने बाहर की तरफ से उठाए थे, तो अब हमें सीधी साइड से ऐसे उठाने हैं अंदर की तरफ। ये देखिए ऐसे करके अंदर की तरफ फंदे इस तरह से उठाने हैं हमें इसमें फंदे। एक हो गया, नौ ही फंदे उठाने हैं हमें। ये देखिए जो चेन दिख रही है हमें, इसमें से एक एक फंदा उठा लेंगे। दो हो गए, तीन चार पाँच छः
सात, आठ, और इसमें से उठा लेंगे नौ, ये नौ चेन बन जाएंगे अपने आप ही। अब यहाँ से देखिए, अब इधर की साइड जाएंगे तो यहाँ बीच में गैप रह जाएगा हमारा, तो गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ से ये धागा उठा लेंगे बीच में से, ये वाला धागा उठा लेंगे बीच में से, ये वाला। अब इसको इसमें ले लेंगे और इसके साथ दो फंदों का एक फंदा बुन देंगे, इस तरह से हमारा बीच में से गैप ख़त्म हो जाएगा। देखिए अब ये सिलाई हमारी उल्टी उल्टी ही बनानी है सारी। पिंक वाला कलर हमें कंप्लीट करना है, ये लाइन से हमारा कंप्लीट हो जाएगा, छह सिलाई हो जाएंगी टोटल। और इधर की साइड देखिए हमारी एड़ी बन गई, बहुत अच्छी सी शेप आती है इस तरह से एड़ी बनाने से, एकदम परफेक्ट शेप आएगी। ये देखिए उल्टी सिलाई हमारी हो गई कंप्लीट। अब यहाँ से हमें कलर देखना है कौन सा कलर लगाना है। ये हमारी छह सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं, दो चार और ये छः, छः सिलाइयाँ हो गई। अब देखिए यहाँ पे छः सिलाइयाँ निकाली हैं, इसके बाद हमने वाइट कलर लगाया है, तो यहाँ पे हमें वाइट कलर लगाना है और वाइट कलर से हमें चार सिलाइयाँ निकालनी है। आगे हमें यही डिज़ाइन रिपीट करना है, यही कलर रिपीट करने हैं हमें, डिज़ाइन तो इसमें कुछ भी नहीं है, प्लेन प्लेन ही सिलाई निकाली है मैंने, बिल्कुल उल्टी साइड से उल्टी सिलाइयाँ और सीधी साइड से सीधी सिलाइयाँ निकालनी है। ये देखिए इस तरह से प्लेन ही है बिल्कुल, सीधी साइड से सीधी सिलाई निकालनी है, पूरी ही ऐसे ही निकालनी है। अब देखिए इधर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन सिलाई है सीधी सीधी। ये देखिए इस तरह से सीधी सिलाई हो गई हमारी कंप्लीट। देखिए एड़ी इधर की साइड बन गई और उस वाले सॉक्स में हमें इधर की साइड बनानी है, ध्यान रखना है हमें एड़ी का। उल्टी सिलाई उल्टी साइड से हमें उल्टी उल्टी ही निकालनी है, तो ये चार सिलाइयाँ निकालनी हैं, दो सीधी दो उल्टी वाइट कलर से इस तरह से उल्टी उल्टी ही निकालनी है। ये अभी मैं निकाल लेती हूँ, ये देखिए उल्टी सिलाई मैंने निकाल ली, सीधी साइड देखिए दो सिलाई निकल गई इस तरह से, एक सीधी एक उल्टी, दो और निकालनी है एक सीधी और एक उल्टी, चार वाइट कलर की निकालनी है हमें और फिर दो डार्क पिंक इस तरह से। तो देखिए आगे हमें ये डिज़ाइन ऐसे ही कंप्लीट करना है, कलर हमें ऐसे ही कंप्लीट करने हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ से ये काउंट करना है, हम वाइट कलर का बना रहे हैं एड़ी के बाद, वाइट कलर से बना रहे हैं, तो वाइट कलर से लेके पिंक और लाइट पिंक, ये तीन कलर कंप्लीट हो जाते हैं एक बार में, ये तीन, फिर तीन दो बार हो गए, फिर तीन तीन बार हो गए, फिर चौथी बार, चार बार बना के हमें फिर इसके बाद अंगूठा और उंगली बनाने हैं। तो ये मैं अभी बना लेती हूँ, ये देखिए फिर से बता देती हूँ, वाइट डार्क पिंक और लाइट पिंक तीन हमारे कलर हैं, यहाँ तक बन के कम्प्लीट हो जाते हैं। टोटल बता देती हूँ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये हमें बारह बार रिपीट करना है ये कलर टोटल। और अगर ऐसे जोड़े में करके करोगे तो जैसे वाइट डार्क पिंक और लाइट पिंक, यहाँ तक एक बार कंप्लीट हो गया, एक दो तीन चार, चार बार कंप्लीट करना है। और अगर आप सिलाई काउंट करोगे तो देखिए चार सिलाई इसकी, दो इसकी छः और छः इसकी बारह, एक बार में बारह हो गई, बारह दून चौबीस, बारह तिया छत्तीस, बारह चौक अड़तालीस, हमें यहाँ पर अड़तालीस सिलाइयाँ निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे टोटल हमें 48 की जगह 48 हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा 48 में, तो हमने यहाँ पे चार बना के उसके बाद ये अंगूठे और उंगली बनाए हैं, तो 48 में से दो घटा देना तो उसमें से हो जाएंगे ये 46, टोटल हमें 46 सिलाइयाँ यहाँ पे बनानी है, उसके बाद उंगली और अंगूठा बनाएंगे 46 सिलाइयाँ, ध्यान रखना है। डिज़ाइन ध्यान रखोगे तो ऐसे ही रखना, तीन कलर एक बार में कम्प्लीट हो गए, तीन तीन, तो चार बार लगाने हैं हमें, एक दो तीन और चार, चौथा हमें कम्प्लीट नहीं करना है पूरा। चार सिलाइयाँ तो इसमें निकाली हैं मैंने, चार सिलाइयों के बाद उंगली और अंगूठे की ये बनाई है मैंने शेप अलग से, तो ये मैं यहाँ तक बना ली। टोटल हमें इसमें 46 सिलाइयाँ बनानी है, 46 सिलाइयों के बाद उंगली और अंगूठा बनाएंगे, तो यहाँ तक 46 सिलाइयाँ मैं अभी बना लेती हूँ, फिर बाद में आगे बताऊँगी अंगूठा और उंगली कैसे बनानी है। ये देखिए मैंने इसमें 46 लाइनें बनाई हैं टोटल, यहाँ से मैंने बताया था यहाँ तक हमारी तीन कलर लगाए मैंने, तीन कलर में हमारी 12 सिलाइयाँ हो जाती हैं, तो ये बारह से बारह एक कलर एक जोड़ा हो गया तीन कलर का, एक
दो तीन और ये हो गए चार। चार पूरी बनाते हैं तो हमारी 48 सलाई हो जाती हैं, लेकिन मैंने दो कम बनाई हैं इसमें, ये चार ही सलाई निकाली हैं, तो ये हमारे 46 हो गई। टोटल हमारी यहाँ तक 46 सलाइयाँ हो गई हैं एड़ी के बाद, 46 सलाइयों के बाद। अब इसमें हमें देखिए उंगली उंगली और अंगूठों की शेप बनानी है, तो ये फंदे हमें डिवाइड करने हैं। लेकिन 9 फंदे हम इधर रखेंगे अंगूठे के, 9 फंदे हम इधर रखेंगे अंगूठे के, तो हमारे 18 फंदे हो जाएंगे अंगूठे वाले, 9 इधर 9 इधर, 18 फंदे। तो 18 फंदे हम इनमें बामन में से 18 फंदे घटा देंगे, तो बीच में हमारे 34 फंदे रह जाएंगे, 34 फंदे रह जाएंगे। तो देखिए 9 फंदे यहाँ पे अंगूठे के, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और ये हो गए 9 फंदे। 9 फंदे, 9 फंदे के बाद अब हम बीच में यहाँ पे 34 फंदे रखने हैं। तो देखिए पीछे से 9 फंदे, 2 4 6 8 और एक 9, 9 फंदे यहाँ पे हो गए बीच में। तो यहाँ पे मैं एक धागा लगा देती हूँ मार्कर के लिए, ये देखिए पता चल जाएगा ये हमारे अंगूठे के फंदे हैं इससे आगे, इस तरह से ये मैंने यहाँ पे मार्कर लगा दिया, ये हमारे अंगूठे के फंदे हैं। इधर इधर के साइड के 9 फंदे भी अंगूठे के हैं, तो बीच में हमारे रह गए 34 फंदे, 17 इधर 17 इधर, 17 दूनी 34 हो जाते हैं। तो ये हमें अब हाफ हाफ करने हैं, तो देखिए कैसे करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16, और ये हो गया हमारा 17वां फंदा। ये इधर वाली 17वां फंदा है, और इसके एक ये इधर में 17 फंदा 17वां है इधर से। तो ये 2 फंदे हमें बीच में से 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे, 17 17 फंदे हो गए हमारे दोनों साइड आधे आधे। तो एक फंदा इसमें से लिया और एक इसमें से लिया, 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। अब दोनों साइड हमारे 16 16 फंदे रह जाएंगे, 16 इधर 16 इधर। तो अब यहाँ पे हमें एक ही फंदा घटाना है, अब आगे हम इसमें 16 फंदे बुन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 12 13 14 15 16, ये देखिए मार्कर आके हमारा अंगूठे वाला 16 फंदे हो गए यहाँ पे। अब इसको ऐसे ही घुमा लेंगे, उल्टी सिलाई हमें उल्टी ही निकालनी है, तो इधर भी मैं मार्कर लगा देती हूँ अंगूठे वाले फंदों में, 2 4 6 8 और 1 9, 9 फंदों के बीच में यहाँ पे मार्कर लगा लेंगे। तो इधर से भी हमें पता चल जाएगा अंगूठे के फंदे कौन से हैं, इस तरह से, ये देखिए। अब इधर की साइड हमें नहीं जाना है, अंगूठे के फंदे अभी हमें नहीं बनाने हैं, तो बीच बीच के उंगलियों के फंदे हमें बनाने हैं। उल्टी सिलाई हमें उल्टी ही निकालनी है, उल्टी सिलाई में हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे, इस तरह से उल्टी उल्टी ही निकालनी है सारी, जो फंदा हमने घटाया वो भी उल्टा ही बनेगा, इस तरह से। तो ये उल्टी उल्टी सिलाई में यहाँ तक बना लेती हूँ अंगूठे के फंदों तक, ये देखिए उल्टी सिलाई में बना लिए, यहाँ पे मार्कर आ गया हमारे अंगूठे के फंदे में नहीं बनाने, यहीं से अपने वर्क को घुमा लेंगे, इधर टर्न कर लेंगे, यहीं से उल्टे जाएंगे, बीच में से उंगलियाँ बनानी है। अब देखिए कैसे बनानी है हमें, जो फंदा हमने बीच में एक फंदा ये जो घटाया है ये वाला, अभी हमने एक ही फंदा घटाया था, अब हम 3 फंदों का एक फंदा करेंगे, बीच वाले फंदे का एक इधर वाला लेना है एक इधर वाला लेना है। तो 16 हमारे इधर थे 16 इधर थे, जब इसमें से एक ले लेंगे और इसमें से एक ले लेंगे तो 15 इधर रह जाएंगे 15 इधर रह जाएंगे, 3 फंदों का हमें एक फंदा बुनना है इसमें। तो ये देखिए 2 फंदे मैंने इसमें बुन लिए, इधर हमें 15 फंदे बुनने हैं, ये मार्कर निकाल देती हूँ, अब तो वैसे ही पता चल जाएगा। यहाँ पे गैप हो गया है क्योंकि देखिए 4 फंदे हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये हो गए 15, ये देखिए ये आ गया बीच वाला फंदा। तो इसके एक इधर वाला लेना और एक इधर वाला लेना, 3 फंदों का हमें एक फंदा बुनना है। तो ये जो बीच वाला फंदा है इसको इस सिलाई में ले लेंगे, ये हमें आगे करना है, अब पीछे वाले फंदे को ऐसे पकड़ के रखना है और ये पीछे वाली सिलाई में ले लेंगे, इस तरह से पीछे से लेना है इस सिलाई में, और ये फंदा हमें बीच वाला आगे लाना है। अब हम 3 फंदों का
एक फंदा बुन देंगे इस तरह से, तीन फंदों का पीछे एक साइड करके एक फंदा बुन देंगे। ये फंदे निकाल देंगे, ये देखिए बन गया, तीन का एक बन गया। अब इधर की साइड भी हमारे 15 फंदे हैं, ये 15 फंदे सीधे सीधे ही बुनने हैं। ये देखिए इधर से मार्कर आ गया, उसको भी निकाल देंगे क्योंकि अब यहाँ पर गैप हो जाएगा, अपने आप ही दिख जाएगा। इधर घुमा लेंगे फिर से, अब उल्टी सिलाई हमें उल्टी उल्टी निकालनी है। उल्टी सिलाई पे हमें कोई फंदा नहीं घटाना है, तो ये उल्टी सिलाई इस तरह से उल्टी उल्टी, ये देखिए इस तरह से उल्टी उल्टी ही बना लेंगे। जो हमने तीन का एक किया था ये फंदा, ये भी उल्टा ही बुनना है, तो ये मैं निकाल लेती हूँ अभी। ये देखिए उल्टी सिलाई मेरी हो गई। अब आ गए हम सीधी साइड, तो सीधी साइड से फिर से अभी हमें तीन फंदों का एक एक ही करना है। ये बीच वाला फंदा ये है, ये दिख रही है लाइन, देखिए किसके इधर वाला लेना है और एक किसके इधर वाला लेना है फंदा हमें घटाने के। घटाने के लिए तीन फंदों का एक फंदा करेंगे, तो पहले हमारे यहाँ पे 15 फंदे थे दोनों साइड, अब हमें 14 14 फंदे बुनने हैं दोनों साइड, क्योंकि इसमें से एक फंदा कम हो जाएगा और इसमें से एक फंदा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 14 फंदे बुनने हैं। एक फंदा उतार लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 फंदे हो गए। देखिए आगे बीच वाला फंदा है, किसके इधर वाला लेना है, एक इधर वाला लेना है, तीन फंदों का एक करना है। बीच वाला फंदा इस सिलाई में ले लेंगे और ये वाला पीछे वाली सिलाई में ले लेंगे इस तरह से। ये आगे करना है हमें बीच वाला जो फंदा है। अब ये तीन फंदों का एक फंदा बुन देंगे। इस तरह से तीन फंदों का एक फंदा कर देंगे, निकाल देंगे। देखिए इस तरह से बन जाएगा। अब इधर की साइड में हमारे 14 ही फंदे रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये हो गए 14। ये देखिए इस तरह से फिर से घुमा लेंगे। उल्टी सिलाई हमें उल्टी उल्टी निकालनी है, तो ये मैं निकाल लेती हूँ। उल्टी सिलाई पे हमें फंदा नहीं घटाना। ये देखिए उल्टी सिलाई में निकल गई। तो इसी तरह से अब हमें बीच में एक एक फंदा घटाता जाना, तीन का एक करना है। तो यहाँ से एक एक फंदा हर बार हमारा कम होता चला जाएगा। तीन का एक करना है तो हमें ये जब तक घटाना है जब तक हमारे 8 फंदे इसमें रह जाएंगे, 8 इसमें रह जाएंगे और एक बीच वाला फंदा रह जाएगा। तो ये मैं घटा लेती हूँ, सेम ही घटाना है बिल्कुल। ये मैं घटा लेती हूँ अभी यहाँ से। ये देखिए मैंने इसमें फंदे घटा लिए हैं, तो अब हमारे 8 फंदे इधर हैं, 8 इधर हैं और बीच में एक फंदा डिज़ाइन वाला। ये 2 4 6 8 इधर है, ये बीच का फंदा है, 2 4 6 8 फंदे हमारे इधर रह गए। तो अब हम इसमें से ये फंदे जोड़ेंगे और इसमें आपस में जुड़ते भी जाएंगे और ये फंदे हमें घटाने हैं। देखिए 8 फंदे हम इस सिलाई में ले लेंगे। पहले उल्टी साइड से बुन रही हूँ मैं, 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए 8। 8 फंदे इस सिलाई में ले लेंगे, इनको ऐसे मोड़ लेंगे। अब ये फंदे हमें घटाने हैं इधर वाले, तो देखिए कैसे घटाएंगे। ये एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा है ये वाला, तो ये इस सिलाई में ले लेंगे बीच वाला फंदा, इसको इधर कर लेंगे धागे को। देखिए एक फंदा पीछे वाली सिलाई में से लेना है, एक आगे वाली सिलाई में से लेना है, इस तरह से इनको घटा देंगे। ये निकाल देंगे। अब जो ये पीछे वाला फंदा है इसके ऊपर से उतार देंगे इस तरह से। ये फंदे सारे घटाने हैं हमें।
ये देखिए, सरस हमारे फंदे कट गए। ये धागा थोड़ा सा बड़ा कट करना है क्योंकि इससे हमें सिलाई करनी है फिर बाद में। ये देखिए उंगलियों की शेप हमारी बन गई है यहाँ पे इस तरह से। अब हमें अंगूठा बनाना है। इस तरह से उल्टी साइड से घुमा लेंगे दोनों सिलाइयों को, ऐसे करके रखना है। ये देखिए यहाँ पे धागा जोड़ेंगे। ये उल्टी उल्टी बुननी है सिलाई है, उल्टी साइड है ये हमारी। ये धागा जो बच गया है सुई से एडजस्ट कर देंगे बाद में। ये देखिए आगे वाला एक फंदा हमने बुन लिया और पीछे वाली सिलाई में से एक फंदा हम ऐसे उतार लेंगे। इस तरह से उतार लिया, ये बुनना नहीं है पीछे वाला फंदा हमें। इस तरह से आगे वाला फंदा उल्टा ही बुन लेंगे इस तरह से। ये फंदा निकाल देंगे और पीछे वाली सिलाई में से फंदा ऐसे ही ले लेंगे बिना बुने ही इस तरह से। अब आगे वाला फंदा बुनेंगे, ये निकाल देंगे, पीछे वाली सिलाई में से ऐसे ही फंदा लेना है बिना बुने ही। और यही रिपीट करते जाना है। ये वाला फंदा बुनेंगे, पीछे वाली सिलाई में से ऐसे ही ले लेंगे बिना बुने ही। तो इस तरह से ये फंदे हमारे एक ही सिलाई में आ जाएंगे। ये फंदा बुनना है और ये बिना बुने ही लेना है पीछे वाली सिलाई से। ये फंदा बुन लेंगे, ये वाला बिना बुने लेना है। ये फंदा बुन लेंगे, ये वाला बिना बुने ही लेना है इस तरह से। ये बुनेंगे आगे वाला, पीछे वाला ऐसे ही ले लेंगे सिलाई में। आगे वाला फंदा बुनेंगे, पीछे वाला फंदा ऐसे ही ले लेंगे इस सिलाई में। तो देखिए लास्ट वाला फंदा हमारा बिना बुने आया है इसमें। तो ये हमें ध्यान रखना है फंदों का। अब ये फंदे हमारे एक ही सिलाई में आ गए सारे। इसको घुमा लेंगे इस तरफ से। देखिए इस तरफ से भी उल्टा ही आएगा, ये देखिए यहाँ से भी उल्टा ही है। तो ये हमें उल्टी उल्टी ही सिलाई बुननी है। ये फंदा हमने बिना बुने लिया है इसमें, तो ये फंदा अब हमें बुनना है इस वाली सिलाई से। ये फंदा हम बुनेंगे पहला वाला, क्योंकि हमने बिना बुने उतारा था। जो फंदा बिना बुने उतारा था वो इस वाली सिलाई में बुनना है, और जो बुना था ये वाला ऐसे ही उतार लेना है। ये बिना बुने उतारा था, ये बुनना है, ये वाला ऐसे ही उतार लेंगे। ये फंदा बुनना है, ये उतारना है ऐसे ही। एक फंदा बुनेंगे, एक उतार लेंगे, एक फंदा बुन लेंगे, एक उतार लेंगे, इसी तरह से रिपीट करना है। तो देखिए लास्ट में हमारा बिना बुना फंदा आया है। तो जो बिना बुना फंदा है वो हमें बुनना है। तो ध्यान रखना है कि लास्ट में आपका कैसा फंदा आया है। बिना बुने हुए फंदा है तो ये अब हमें बुनना है इधर की साइड से, उल्टा ही बुनना है इस तरह से। अब ये बुन दिया, ये उतार लेंगे, ये बुनेंगे, ये उतार लेंगे, ये बुन लेंगे, ये उतार लेंगे, इस तरह से ही करना है। अब देखिए लास्ट में बिना बुना फंदा आएगा इस तरह से। तो ये इधर घुमा के इसको बुन लेंगे पहले। ये लास्ट वाले फंदे का ध्यान रखना है हमें। अब ये इधर से पहले बुनेंगे, क्योंकि ये बिना बुना फंदा था, एक से ही पता चल जाएगा ये बुन लिया। तो अब ये बिना बुने ही उतारना है इस तरह से। ये बिना बुने लेना है, इजी सा है, बिल्कुल सिंपल है। एक बुनना है, एक बिना बुने लेना है। देखिए लास्ट में हमारा बिना बुने आया है। तो इधर घुमा के ये पहला फंदा हमें बुनना है। तो ये ऐसे रिपीट करना है ऊपर तक हमें। ये मैं बना लेती हूँ ऊपर तक। बस पहले ये लास्ट वाले फंदे का ध्यान रखना है। अभी बिना बुने हैं तो ये हमें बुनना पड़ेगा। पहला फंदा बुनेंगे, फिर बिना बुने, फिर बुनेंगे। तो ये ही रिपीट करते जाना है। अंगूठा हमें बनाना है, तो ये मैं बना लेती हूँ अभी। ये देखिए अंगूठे की सिलाई ये मैंने बना ली है सारी। ये मैंने 10 लाइनें बनाई हैं। ये देखिए यहाँ से हमारा अंगूठा ज्वाइन हो रहा है, यहाँ से इस तरह से देख लेना आप, क्योंकि 4 सिलाई हैं तो हमने एक्स्ट्रा ही निकाली हैं।
बाकी ऊपर मैंने 10 सिलाइयाँ निकाली हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल मैंने 10 सिलाइयाँ निकाली हैं ये। अब देखिए धागा कट करके मैंने सुई डाल ली है इसमें, एक फंदा ले लेंगे पहले सुई में, ये फंदे हम निकाल लेंगे इसमें से। अब देखिए ये अंगूठे के फंदे अलग अलग करने हैं हमें, दो साइड के फंदे हैं ये इस तरह से। अब इन फंदों को सुई में ले लेंगे सारे फंदों को, ये देखिए इस तरह से धागा खींच देंगे, ये बंद हो जाएंगे हमारे फंदे इस तरह से बिल्कुल टाइट धागा खींच के। ये देखिए बंद हो गए, यहाँ पे टांका लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से धागा कट कर देंगे, ये देखिए धागा मैंने कट कर दिया यहाँ से एडजस्ट करके। ये देखिए अंगूठे की सिलाई हमारी हो गई है यहाँ से इस तरह से। अब हम ये यहाँ से ये वाले पंजे की सिलाई करेंगे उंगलियों की साइड से। ये देखिए इस तरह से हमारी उंगलियों की सिलाई हो गई है, ये देखिए उंगलियों की साइड से भी हमारी सिलाई हो गई, ये यहाँ से बंद हो गया। अब ये साइड से सिलाई करेंगे इसकी, तो ये मैं ऊपर से करूँगी यहाँ से। देखिए इधर ऐसे मैच करते करते सिलाई करनी है, डिज़ाइन से डिज़ाइन मैच करना है हमें।
ये देखिए इस तरह से यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेंगे, इसी तरह से करनी है। ये देखिए हमारे सॉक्स की सिलाई हो गई है, बिल्कुल लाइन से लाइन मैच करके सिलाई करनी है। ये देखिए हमारे सॉक्स बन के रेडी हो गए दोनों। जो एक्स्ट्रा धागे हैं उन्हें सुई से छिपा देना। इस तरह से हमारे सॉक्स दोनों बन के रेडी हो गए।